हाय गाइस, माय नेम इज़ ज़ैनबाद खान दिस इज देव चंद्रमा सिंह। और आप हमें देख रहे हैं टेली रिपोर्टर पे। मेरा किरदार दिया बिल्कुल मेरी जैसी है, बहुत अच्छी है। सबको किताब बांटती है और ये सिखाने की कोशिश करती है कि भूत चुड़ैल की जो कहानियाँ होती है ये सिर्फ कहानियों में ही होती है। मेरा जो किरदार है, आई एम जस्ट प्लेइंग अ वेरी रैंडम गाय, वेरी रैंडम एज इन एवरी डे गाय, लाइक टुडेज गाय, एंड ही इज वेरी, तो ऑब्वियसली विथ हर आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस। हाँ, विथ निया लाइक वी आर यू नो वी आर डूइंग गुड टुगेदर, एंड वी आर मतलब शी इज़ अ वेरी फन वाइब, एंड या आई एम हैविंग फन। बट ऑब्वियसली जब मुझे ये शो की स्टोरी पता चली, सो आई रियली डिडंट नो द नेम ऑफ दिस शो, एंड मुझे सही से पता नहीं था। बट ऑब्वियसली आफ्टर नोइंग द कम्प्लीट एग्जैक्ट स्टोरी एंड हाउ वी आर सबसे पहले तो कितने एक्साइटेड हैं आप दोनों सुहागन चुड़ैल के इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए आप लोगों को मिला है? यार बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, बिकॉज एक नया जॉनरा है, नया नई थीम है, नई स्किन है, नया नई सोल है, नई स्टोरी है, एंड ऑब्वियसली कलर्स टीवी का शो है, तो आई थिंक वी आई एम जस्ट सुपर एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ कलर्स अगेन। हिंदी में ये मेरा पहला शो है, ऑब्वियसली आई एम सुपर एक्साइटेड, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मेरा किरदार दिया बिल्कुल मेरी जैसी है, बहुत अच्छी है। सबको किताब बांटती है और ये सिखाने की कोशिश करती है कि भूत चुड़ैल की जो कहानियाँ होती है ये सिर्फ कहानियों में ही होती है। मोक्ष से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। मेरा जो किरदार है, आई एम जस्ट प्लेइंग अ वेरी रैंडम गाय, वेरी रैंडम एज इन एवरी डे गाय, लाइक टुडेज गाय, एंड ही इज वेरी लॉयल टू हिज फैमिली, लॉयल टू हिज लव्ड वंस, एंड हिज लाइफ हैज़ टेकन अ टर्न व्हेन दिस विच हैज़ एंटर्ड हिज लाइफ, एंड नाउ ही थिंक्स दैट ही इज़ इन लव विथ हर, एंड नाउ देर इज़ अ बैटल गोइंग ऑन इन हिज माइंड, देर इज़ अ बैटल गोइंग विद इन हिमसेल्फ, देर इज अ बैटल विद हिज माइंड एंड हिज हार्ट। सो या दैट्स इट। आपके अपोजिट दो एक्ट्रेस हैं नेहा और दिया, तो इनके बारे में कुछ बताइए, कैसा रहा इनके साथ एक्सपीरियंस अभी तक का जितना भी? ऑनेस्टली देव चंद्रमा के साथ मेरा कुछ एक्सपीरियंस नहीं रहा, बिकॉज शी नेवर स्पीक्स दैट मच, शी डजेंट स्पीक दैट मच, एंड शी इज़ मोस्टली रिहर्सिंग अ लाइन्स ओनली। वो 24 घंटे अपना अपना सीन्स पढ़ती है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, शी इज़ सो फोकस्ड इन अ जॉब, एंड ऑल्सो इट इज़ अ न्यू थिंग फॉर हर, बिकॉज यहाँ पे अचानक से उसको सब हिंदी बोलते हुए दिखाई दे रहा है, कोई मराठी में बात कर रहा है, कोई हिंदी बोल रहा है, एंड शी बिलोंग्स फ्रॉम अ बंगाली बैकग्राउंड, एंड उसको हिंदी बिल्कुल नहीं आती थी, तो उसने अभी हिंदी बोलना शुरू करी है। तो ऑब्वियसली विथ हर आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस। हाँ, विथ निया लाइक वी आर यू नो वी आर डूइंग गुड टुगेदर, एंड वी आर मतलब शी इज़ अ वेरी फन वाइब, एंड या आई एम हैविंग फन। मैं तो सेट पर जाती हूँ पढ़ते पढ़ते, वहाँ से आती हूँ पढ़ते पढ़ते, ज़्यादा बातें नहीं होती, तो हो जाएगी हिंदी सही हो जाएगी। मैं बात करने की कोशिश करती हूँ सबके सबके साथ हिंदी में जितना पॉसिबल हो, जैन मुझे बहुत हेल्प करता है। शो के बारे में कुछ बताइए, काफी अलग लग रहा है, किसके चार्ज में आप पढ़ने वाले हैं चुड़ैल या फिर इंसान? यार वही शो की जो कहानी है, इट इज़ अबाउट दिस गाय हु हैज़ फॉलन फॉर द सुहागन चुड़ैल, एंड द जब भी वो दिया के सामने, जब भी दिया से इनकाउंटर होता है, जब वो दिया से मिलता है, ही फील्स दैट देर समथिंग मिसिंग इन दैट ही इज़ मिसिंग समथिंग इन हिज लाइफ, दैट ही इज़ यू नो मिसिंग अ लॉट इन हिज लाइफ, एंड ही इज़ ऑलवेज हैविंग अ बैटल, जैसे मैंने अभी बताया, ही इज़ ऑलवेज हैविंग अ बैटल ऑफ हिज माइंड एंड हार्ट, के हिज हार्ट डिज़ायर समथिंग एल्स, एंड हिज माइंड इज आस्किंग, माइंड इज लीडिंग हिम इन टू समथिंग अ डिफरेंट रेलम ऑल टुगेदर। जब शो का कॉन्सेप्ट सुनाया गया तो कैसा रिएक्शन था आपका? यार इनिशियली आई थिंक आई वॉज द आई थिंक इनिशियली आई वॉज लाइक नॉट रेडी फॉर दिस, बिकॉज आई थिंक मेरा दूसरे शो की मेरा दूसरा शो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फाइनल था, एंड बट ऑब्वियसली जब मुझे ये शो की स्टोरी पता चली, सो आई रियली डिडंट नो द नेम ऑफ दिस शो, एंड मुझे सही से पता नहीं था। बट ऑब्वियसली आफ्टर नोइंग द कम्प्लीट एग्जैक्ट स्टोरी एंड हाउ वी आर गोना डू इट, हाउ वी आर गोना मेक इट सो रिलेटेबल एंड सो आज की स्टोरी, बिकॉज इट्स अ वेरी ओल्ड स्टोरी, एंड एक प्रतिलिपि बुक से हमने इस किताब से हमने स्टोरी को अडेप्ट किया है टेलीविजन शो के अंदर। सो आई वॉज लाइक रियली क्यूरियस कि कैसे इसको टेलीविजन के अंदर हम बनाने वाले हैं, एंड या दैट्स ऑल। मुझे तो ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया था। हाँ, एक्चुअली मुझे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया था, मैं बस मेरे किरदार के बारे में मुझे जो बताया गया था
वही मैं समझने की कोशिश कर रही थी कि मुझे करना क्या है, अभी भी वही करती हूँ मैं। तो हिंदी में काम करने का बहुत शौक था मेरा, तो आ गई मैं यहाँ तक, ये यह हिंदी सीख जाऊँगी, आगे जाके शायद मैं अच्छा काम करूँगी। होपिंग फॉर द बेस्ट यार, आप लोगों ने जितना प्यार मुझे पहले दिया है उतना ही प्यार मुझे इस शो के अंदर दीजिए, जितना प्यार आपने मुझे हमेशा दिया है आज भी करते हैं उतना ही प्लीज़ इस शो में भी मुझे प्यार दीजिएगा। थैंक यू सो मच यार, यही मैसेज ही है फैंस के लिए कि जितना आपने प्यार दिया है प्लीज़ उतना ही प्यार दीजिए उस इस शो को भी उतना ही प्यार दीजिए जितना आपने मुझे मेरे पुराने शोज़ में दिया था। थैंक यू सो मच।